हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसी दुल्हन क्यों बनी हुई हूँ। तो अभी मैंने मैंने अपना एक व्लॉग ख़त्म किया है और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा ये रिंग लाइट रखा हुआ है। थोड़ा सा ये सामान मैसी है। तो मैंने अपना अभी एक व्लॉग ख़त्म किया है। अहोई माता का मेरा व्रत था तो वो सब मैंने ख़त्म किया अपना। उस व्लॉग को पूजा किया, अच्छे से सब कुछ हो गया। और अभी मैंने जस्ट अपना दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया। देखिए मेरी हेयर स्टाइल आपको मिरर में दिख रही होगी, ये देखिए। अभी पीयू ने ना बार बार ये मिरर बार बार गंदा करती रहती है, कलर्स ले लेगी उसमें खिंचाती रहेगी, इसलिए वो आपको गंदा लग रहा होगा। और मैंने सोचा कि चलो जब मैं तैयार हूँ तो मैं अपना दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस मैंने यूं ही अपना दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और ये नथ कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। वैसे मुझे तो अच्छी लग रही है, ये ऐसे है। और आज मैंने मेकअप बहुत थोड़ा सा किया था, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, सिंपल सा बीबी क्रीम कॉम्पैक्ट लगाया था। और ये हाइलाइटर यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आज विंग आईलाइनर बनाया है काफ़ी दिनों के बाद, रेड लिपस्टिक है और मेकअप ज्वेलरी ये सब पूरा अच्छे से करके पूजा किया। अच्छा हो गया, करवा चौथ हो गया, अहोई अष्टमी हो गई, अब आएगा धनतेरस और दिवाली। तो आप लोग की दिवाली धनतेरस की कैसी तैयारी चल रही है कमेंट करके बताइए। व्लॉग तो स्टार्ट कर ही दिया है, सारा दिन आपके साथ स्पेंड करूँगी। मतलब अभी तो शाम हो गई है, हो सकता है ये व्लॉग कल कंटिन्यू हो। तो अब मैं चेंज कर लेती हूँ। मैंने ये मम्मी की साड़ी पहनी थी, कैसी लग रही है बताइएगा कॉमेंट करके। और चलिए अब मैं चेंज कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो बस यहाँ सबसे पहले मैं अपनी सारी ज्वेलरी जो है वो उतार के रख दूँगी। और ज्वेलरी उतारने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मतलब हल्का हल्का सा महसूस होता है जब ये सारी ज्वेलरी उतार दो। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ कैमरे के आगे आकर के। फ्रेंड्स वेलकम बैक। और मैंने अभी व्लॉग अपना कंटिन्यू कर लिया। मैंने सोचा था कि मैं इस व्लॉग को कल करूँगी, मतलब पूरा करूँगी, बट मैंने कहा चलो आज ही अपने व्लॉग को पूरा कर देती हूँ। और व्लॉग स्टार्ट किया था साड़ी पहन के और अभी मैंने चेंज वेंज कर लिया है। और आज अभी वही दिन चल रहा है होई अष्टमी वाला ही, तो मैंने सोचा कि जब मैं तैयार हूँ तो मैं आपके साथ अपना शेयर करती हूँ कि दीपावली में मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं ये मायके की तरफ से। मैंने करवा चौथ में भी शेयर किया था कि हॉल क्या गिफ्ट शेयर किए थे कि मुझे क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दीपावली के गिफ्ट की, मम्मी पापा की तरफ से मुझे दीपावली में क्या क्या मिला है। तो कुछ ये सामान है, ये देखिए ये है मेरा सामान जो कि दीपावली में मिला हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको एक ड्रेस दिखाई थी पीहू की, वो है साथ में। पीहू की सैंडल्स हैं वो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। और पीहू की बैंगल्स हैं वो भी मैंने आपको 2-3 दिन के पहले के व्लॉग में दिखाया था कि पीहू को बैंगल्स भी, मतलब सब कुछ वो सारा दीपावली का ही उसकी तैयारी चल रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी ड्रेस दिखा देती हूँ कि दीपावली पे मेरे को क्या मिला है। मुझे ये ड्रेस मिली है, मैंने अपनी पसंद से ही फ्लिपकार्ट से ही शॉपिंग करी थी, तो ये मैंने आपको दिखाया नहीं था, ये अभी कुछ दिन पहले आया है। तो ये है ब्लैक कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर का प्लाजो है, व्हाइट इसमें चुन्नी भी है। तो फर्स्ट ड्रेस है जो कि मैंने लिया है। मैं साड़ियां बहुत कम पहनती हूँ, यहाँ तो मैं आई हूँ तो मम्मी की साड़ियां मैं पहन लेती हूँ, वरना साड़ियां इसलिए नहीं लेती जब शादी पार्टी किसी की होगी तब जो भी अच्छी हैवी साड़ी लेंगे तब लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं पीहू की ड्रेस से। नंबर 1 है पीहू की ड्रेस, फर्स्ट है वो ये है वुलन, क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं तो पीहू को अब ठंडी वाले कपड़े ही चाहिए होंगे। तो ये वुलन है, ऑरेंज और ब्लैक कलर का ये पूरा ये कुर्ता लेगिंग सेट है, बहुत ही प्यारा सेट है और मुझे कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा लगा। तो फर्स्ट ड्रेस तो ये है। और इसकी जो सेकेंड ड्रेस है वो ये है, ऐसी इसकी ये कुर्ती है पिंक और व्हाइट कलर की, इसमें पिंक कलर की लेगिंग भी है बट वो अभी मेरे को मिल नहीं रही है, कहाँ रख दिया है तो वो इधर उधर कहीं है, बट जब भी मिलेगी तो वो मैं आपको दिखा दूंगी जब वो पहनेगी। और
ये सब हम लोग गए थे लेने के लिए, वो मैंने आपको शो नहीं किया था जब हम लोग मार्केट गए थे, तो ये लेकर के आए थे। और मैंने लिया है एक ये कैप, ये भी मम्मी ने मेरे को दिलाया है। साथ में मैंने एक लिया है वुलन, ये प्लाजो है ब्लैक कलर का, ये देखिए इसमें यहाँ पे इसका ये निटिंग वर्क है जो कि काफी अच्छा है, गरम प्लाजो है। मेरे पास वुलन कुर्तियां तो बहुत सारी हैं, तो वुलन कुर्तियां तो मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे को प्लाजो चाहिए था, तो मम्मी एक ये मेरे लिए लेके आई हैं। और एक ये कैप हो गई है, तो काफी अच्छी सी कैप है, क्यूट सी। कैसी लगी आप लोग बताइएगा, मेरे को तो बहुत क्यूट लग रही है। तो ये एक है, और बाकी मैंने आपको पीहू का ड्रेस पहले ही दिखा दिया है दीपावली में, जो वो पहनने वाली है, और मैं क्या पहनने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने दीपावली के नाम पर ही ड्रेस लिया है ये वाला, लेकिन मैं ये पहनूंगी कि नहीं पहनूंगी दीपावली में, अभी ये सस्पेंस है। तो मैं क्या पहनने वाली हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये ड्रेस अच्छा है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, तो ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी 1/3 स्लीव्स हैं, ये बहुत ही प्यारा सा इसका वर्क है, ये देखिए। और मेरे को बहुत पसंद आया था तो मैंने इसको ऑर्डर किया था। ये कॉटन कपड़ा है, और इसका जो नेक है वो ये देखिए इस तरह से है, तो यहाँ पे भी इसका वर्क दिया हुआ है, जब आप इसको पहनेंगे तो ये काफी अच्छा लगेगा। और जो इसका दुपट्टा है, बस वो जी दुपट्टा है ना, ये मेरे को लगा नहीं था इतना पतला होगा, बट आप देख सकते हैं ये दुपट्टा काफी पतला है, पर ठीक है, प्लाजो सेट के साथ तो लोग दुपट्टा बहुत कम पहनते हैं, बट ये है तो डालूंगी अगर तो मैं डालूंगी, अदरवाइज नहीं भी डालूंगी तो चलेगा, क्योंकि मैं प्लाजो सेट में दुपट्टे कैरी नहीं करती हूँ। और जो इसका प्लाजो है वो कुछ इस तरह से है, इसके नीचे ब्लैक कलर का इसका बॉर्डर दिया हुआ है, और भी किसी चीज में प्लाजो ये मैं पहन सकती हूँ। आगे इसका गेट इसका स्ट्रैप है, काफी चौड़ा है, और ये शरारा स्टाइल में है, चाहे तो किसी और चीज में भी इसको ही सूट के साथ कैरी कर सकते हैं, अगर उसमें ब्लैक कलर का कुछ है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज सब में चल जाता है, इतना कोई नीचे ध्यान नहीं देगा, तो इसलिए मैंने ये वाला सेट पिक किया था। और तो ये था मेरा सारा सामान जो कि मुझे इस दिवाली गिफ्ट्स मिले हैं, और कैसा लगा आपको आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये था मेरा सामान जो मैंने आपको दिखाया कि दीपावली में ये मुझे मिला है। मैंने वुलन सी पीहू के लिए लिए हैं, बता दिया मैंने आपको। अब मैं इसको पूरा पैक कर देती हूँ जो कि फैला है, और सब कुछ सेट कर देती हूँ जगह पे। मैंने आपको ये सारे कपड़े तो दिखा दिए, अब इसको वापस से सही से सेट करके रखना बहुत बड़ा वाला काम है। मतलब अच्छा लगता है खोल खोल के कपड़े ऐसे करके दिखाते जाओ, लेकिन बाद में जब समेटना पड़ता है तो थोड़ा मुश्किल सा लगता है, मतलब फैल जाता है, बस इतना ही है। बट कोई बात नहीं, आप भी मेरी फैमिली हैं, तो मैंने आपको अपना सब कुछ ये सारे कपड़े जो हैं वो दिखा दिए हैं। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी पीहू का जो दिवाली वाला ड्रेस है वो आप लोग पहले ही देख चुके हैं, जो मम्मी ने करवा चौथ पे उसको दिया था, तो वो पहनेगी। और मैं दिखाऊँगी आपको किसी दिन जब मैं अपनी ड्रेस दिखाऊँगी कि मैं दीपावली में क्या पहनूँगी, तब मैं उसकी ड्रेस भी आपको फिर से एक बार शो कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने सारा सामान जो है वो पैक कर दिया है, और अभी तक ये साड़ी पड़ी हुई है जो मैंने अभी पूजा के टाइम पहनी थी। मैं सोच रही हूँ इसको साड़ी को ना वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि ये मुझे गंदी नज़र आ रही थी, शायद इसमें कुछ ऑयल लग गया है, घी वी लग गया है, तो मैं इसको मम्मी से बोल रही हूँ कि इसको वॉश कर देते हैं, तो इसको सर्फ एक्सेल में डिप करके और वॉश कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पे कपड़े रखे थे, मैंने इधर पीछे समेट दिया था वीडियो बनाते टाइम। अब मैं अपने फेस को वॉश करूँगी और सारा बाल वाल बांधूँगी, मेकअप रिमूव करूँगी, और आज का दिन अच्छे से निकल गया। आज मैंने दो वीडियो शूट कर लिए, एक तो अपना फास्ट वाला और दूसरा भी अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, वो भी मैंने आज ही कंप्लीट कर दिया। और अब मेरे मेहंदी का कलर देखिए छूट रहा है, ये देखिए
ये देखिए एकदम लाइट हो गई है मेहंदी। लेकिन वर्मा जी का फोन आ गया था और ये मैं बोल रही थी मेहंदी का कलर एकदम जा चुका है, लाइट हो गया है। अभी तक जब ये छूट रही थी ना, बहुत ही गंदे तरीके से छूट रही थी। जब रचती है तो बहुत अच्छी लगती है और जब छूटती है तो बहुत ही गंदे तरीके से छूटती है। खैर, लेकिन ये कलर जो है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो अभी लगी रहेगी मेहंदी। लगे हुए हाथ अच्छे लगते हैं। और चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश कर देती हूँ और मिलती हूँ कल के एक अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। कल स्टार्ट करूँगी एक अच्छा सा ब्लॉग, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, खुश रहिए और मज़े करते रहिए। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।